अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ। चले मैं आज आपको हाइड्रा नेसी फेशियल का बारे में बताऊँगी। जी नेसी कंपनी का हाइड्रा फेशियल है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही गुड लुकिंग है। मैंने खुद यूज़ करा अपने पॉलर पर, आप भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। चले मैं आपको बताती चलूँगी कि हमें ब्लीच के लिए क्या करना चाहिए। खाली ब्लीच करनी हो तो कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, फेशियल चाहिए तो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर स्किन पॉलिश हमने हाइड्रा की करनी है तो उसके लिए भी स्किन पॉलिश का भी मैं आपको बताऊँगी कि स्किन पॉलिश में कौन से जार आपको यूज़ करने। अच्छा, आपको अगर खाली ब्लीच करनी है तो देखें पिक में आपको नज़र आ रहा है कि ब्लीच के लिए हमें कौन सी चीज़ों की नीड होती है। तो ये देखें, आप एक्टिवेटर लेंगे, पाउडर लेंगे ब्लीच, और ग्लोसी शाइनर लेंगे। अगर आपके पास सूथिंग है तो पहले आप फेस पे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप ब्लीच अप्लाई कर लें। ब्लीच अप्लाई करने के बाद आप रिमूव करिएगा तो उसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही गुड लगेगा। चले अब आगे बढ़िए, अब हम स्किन पॉलिश के बारे में बात करेंगे। स्किन पॉलिश के लिए मैंने आपको बताया था, स्किन पॉलिश के लिए देखें हमें 6 प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है जो आपको पिक में नज़र आ रही होगी। आप इजीली आराम से प्रोडक्ट आपके पास हैं तो आप आराम से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पहले हम ब्लीच करते हैं, उसके बाद हमारे पास फेशियल क्लींजर है, स्क्रब है, ग्लोसी शाइनर भी इसमें ऐड हैगा, और जो है ना फेशियल वॉश भी है हमारे पास, ठीक है ना। आप आराम से इजीली स्किन पॉलिश कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग। चलिए मैं अब आपको फेशियल के बारे में बताती हूँ कि फेशियल हम विदाउट ब्लीच कैसे। जी दोस्तों, ये देखिए विदाउट ब्लीच आप फेशियल कर सकते हैं। पिक में आपको स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रहा होगा, इसमें लोशन भी अब ऐड हो गया, इसमें मास्क भी ऐड हो गया, इसमें मसाज क्रीम भी ऐड हो गई एक, और इसमें जो है ना आपको टोनर भी मिल जाएगा और फेस वॉश भी मिल गया है, समझे। फेशियल वॉश जो इसका अपना है वो भी मिल गया। स्किन सेंसिटिव होती है, वो ब्लीच नहीं कर पाते तो खाली फेशियल भी करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने अपने पॉलर पे यही यूज़ करा है, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है। बहुत ही इजीली आप भी घर में आराम से कर सकते हैं। खाली फेशियल करना है तो आप ये स्टेप बाय स्टेप क्रीम यूज़। खाली इसका फेशियल भी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। आप यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। उसके बाद आपको ये देख सकते हैं वाइटनिंग फेशियल ट्रीटमेंट एंड स्किन पॉलिश है, इसके साथ दोनों आपको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ब्लीच भी ऐड है, आपका स्किन पॉलिश भी ऐड है और फेशियल भी ऐड है। टोटल इसके 10 जा रहे हैं, ये टोटल फेशियल है, पूरा फेशियल ये है। असल में आप जब पूरा फेशियल लेंगे, किट लेंगे फेशियल की, इजीली आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आप बाय कर सकते हैं, इजीली आराम से आपको मिल जाएगा ये। मैंने भी कॉस्मेटिक शॉप से बाय करा है, खैर मैं कंपनी से भी मंगा लेती हूँ, पर मैंने कॉस्मेटिक शॉप से बाय करा था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। स्किन पॉलिश और फेशियल आप एक साथ करेंगे ब्लीच के साथ तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, तो आप भी करके देखिएगा। चलें इसके बाद मैं आपको हर्बल फेशियल के बारे में, यह हाइड्रा का हर्बल फेशियल है। अगर आपको हर्बल फेशियल करना है विदाउट ब्लीच तो आप ये जार यूज़ करिएगा जो इसमें पिक में आपको नज़र आ रहा है। हर्बल फेशियल मैंने जो है ना लिखा हुआ भी है, साथ ही मैंने आपको पिक्स भी दिखा दिए कि हर्बल फेशियल इसका कैसे आप यूज़ करेंगे, उसमें कौन से जार और कौन सी क्रीम आपने अप्लाई करनी है और कौन सा यूज़ करना है। तो आप हर्बल फेशियल भी खाली कर सकते हैं, तो हर्बल फेशियल भी करके ट्राई करिएगा। अगर आपको इसमें ब्लीच ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं करेंगे तो आप हर्बल फेशियल भी खाली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप खाली फेशियल भी करें तो भी अच्छा रिज़ल्ट है, और खाली आप ब्लीच भी करें तो भी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। हाइड्रा के ऑल फेशियल सारे अच्छे हैं ये हाइड्रा के, क्योंकि जो है मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैं मशीन से भी यही फेशियल पे यूज़ करती हूँ, अगर मैं मशीन यूज़ करती हूँ तो उसमें भी यही क्रीम अप्लाई करती हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। और ये डर्मा की ही कंपनी है, डर्मा वालों का ही है। जैसे डर्मा का रिज़ल्ट है ऐसे ही ये हाइड्रा का रिज़ल्ट है। बहुत अच्छा है इसी कंपनी का हाइड्रा फेशियल, बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ करके देखें। सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बता चुकी हूँ, आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सा स्टेप कहाँ यूज़ करना है। अगर आपको नॉर्मल फेशियल करना है, हर्बल फेशियल करना है तो कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है, खाली ब्लीच करनी है तो क्या यूज़ करना है आपको, और फेशियल एंड जो है ना आपको स्किन पॉलिश करनी है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू।